अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। लगभग 90 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। फिरोजाबाद जलेसर मार्ग का तत्काल आगणन तैयार करके उसका निर्माण किया जाए, इसकी घोषणा की गई। विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। कुंडला भी जीतेंगे और प्रदेश की 8 सीटों पे विरोधी अगर तीनों दल एक साथ मिल जाएंगे तो भी भाजपा का कमल खिले, ऐसा माहौल बना हुआ है। और मुझे ऐसा सर मायावती जी ने ट्वीट किया है, केंद्र सरकार को नसीहत दी है कि जिस तरह की सरकार थी तो वो किसानों के हित के लिए पंचायतों की बात करें, बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ। मायावती जी को शायद मैं समझता हूँ कि ट्वीट करने से पहले किसान को इस कृषि सुधार विधेयक से क्या फायदा हो रहा है, अगर यह जान लेती तो शायद वो ट्वीट नहीं करती। ये ट्विटर छाप नेता हैं सब, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे प्रियंका वाड्रा जी हों, ये ट्वीट करते हैं और जमीन में नहीं जाते। धन्यवाद। लखनऊ में कल 48 मरीज कोरोना के बढ़ते हुए 4 ये एक चुनौती है। और आप सब पत्रकार मित्रों से भी निवेदन कर रहा हूँ, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। जनता से भी अपील कर रहा हूँ कि वो भी पालन करें। और मास्क लगाना बहुत आवश्यक है, शारीरिक दूरी बहुत आवश्यक है। जब तक कोरोना का पूरी तरह से अंत नहीं हो जाता है, जो प्रोटोकॉल है उसका हमको पालन। नोएडा में देखो सर, नोएडा में यार आप ही अकेले कर रहे हो सर। एक नोएडा में फिल्म सिटी आपके द्वारा बनाई जा रही है सर, बम्बई की फिल्म में टैक्स इस तरह पूरी तरह फैल चुका है सर, हीरो हीरोइन इसमें संबंध मिल चुका है सर, आप इस तरह से देखते हैं? आप तो समय अनुसार